पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेशक वो हम उनको एज एन दुश्मन देश ना लें, हम देखें कि उनसे सीखें, उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी बड़ी है और हमें भी उनकी तरह ऐसी ट्रेड्स में आना चाहिए। ठीक है, हमारी हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ करप्ट लोग इस तरह के हैं जो हमारे कंट्री को आगे नहीं आने दे रहे। रशिया ने, टास्क को मैं कोट कर रहा हूं, जी रशिया ने कहा है कि वो इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक्वामे मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुजाकरात के लिए तैयार है। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। IMF उठ के खड़ा हो गया, कह रहा हम नहीं मानते पाकिस्तान के जो कानून है करप्शन के खिलाफ, ये जो चेंजेस हुए हैं इसका मतलब ये है एक कमीशन बिठाओ। पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है कि एक कमीशन बिठाओ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इंडिया को वीटो पावर देने के लिए रशिया पूरी दुनिया से भिड़ चुका है। रशिया इस दुनिया को कह रहा है कि वीटो पावर इंडिया को मिलनी ही चाहिए और उसे देख पाकिस्तान दिल मिला सा गया है। पाकिस्तान इस बात की चर्चा कर रहा है कि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गया तो हमारा इंडिया जीरा हराम कर देगा। पाकिस्तान का ऐसा रोना धोना आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा, तो आए मिलकर ये रोना धोना एंजॉय करते हैं। और जय हिंद। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक कोयले के लिए अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहदा सामने आया है। भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। रशिया ने, टास्क को मैं कोट कर रहा हूं, जी रशिया ने कहा है कि वो इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक्वामे मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुजाकरात के लिए तैयार। अच्छा। है 5 मेंबर हैं ना, तो भारत को और ब्राजील को, यानी इशू यह था कि इसमें कोई मुल्क जो है वो एशिया से नहीं है जी। और इसमें जो कोई मुल्क है, कोई मुल्क जो है वो लातिनी अमेरिका या जनूबी अमेरिका से नहीं है। तो रशिया ने कहा है कि ब्राजील और इंडिया के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं अक्वामे मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है, एट द सेम टाइम रशियन एम्बेसडर टू चाइना, चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं एंड्राय देनिसोव, उन्होंने कहा है कि रशिया वॉज नॉट रेडी टू सपोर्ट गिविंग परमानेंट सीज टू जर्मनी एंड जापान। हम जर्मनी और जापान को वहां पर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर, हम जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं तो हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर बात करने के, मुजाकरात के लिए हम बात करने को तैयार हैं। तो रशिया की सपोर्ट इंडिया को परमानेंट सीट अक्वामे मुत्तहदा, सही, मुजाकरात के लिए तैयार है। आपसे इंडिया अपनी ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है कि जिस तरह इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं आज की डेट में जिस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, और जो इंडिया के रिलेशंस हैं, क्या कहना चाहेंगी कि ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री? नो डाउट, अनडाउटेडली ये टोटल क्रेडिट उन लोगों को जाता है, उनकी गवर्नमेंट को जाता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में जितने फॉरेन एम्बेसडर्स हैं सबको क्रेडिट जाता है, और ये इनकी इतने अच्छे आइडियाज़ हैं सबके साथ कोलैब करने के। देखिए वो कहते हैं ना यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी इज फेथ, उसमें तो जब तक आप इकट्ठे होकर काम नहीं करते तो एक होता है ना टीम वर्क होता है, ठीक है, तो उसको आप, उसको एक लीडर ने लेके चलना है, तो अनडाउटेडली क्रेडिट उनको ही जाता है। तो ये नहीं है कि हाँ बस क्रेडिट उनको जाता है। सही हो गया, तो आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है? अनडाउटेडली यस, सही हो गया। ये देखिए
ऑन द टॉप थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, ये सारा क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को जाता है दैट वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो किसी की गुलामी कबूल नहीं करते, बिकॉज वो उन्होंने एक बहुत एक जिसे कहते हैं ना माइलस्टोन, वो अचीव कर लिया हुआ है. हम किसी भी फील्ड में देख लें, उन्होंने वो माइलस्टोन अचीव कर लिए. हम ऑन दी अदर एंड क्या कर रहे हैं, हम आपस में ना लड़ लड़ के एक दूसरे के कॉलर्स खींच के, एक दूसरे की टांगे खींच के हम उधर ही बैठे हुए हैं, जबकि हमें फोकस करना चाहिए बाहर, फॉरेन पॉलिसीज पर फोकस करना चाहिए. उससे पहले हमें खुद पर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं. हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे क्या है, हम सारे आपस में लड़ लड़ के ना खप के इसको यहाँ से निकाल दो, उसको वहाँ से निकाल दो. तो इसको अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया नो डाउट अनडाउटेडली इंडिया क्या करता है, इंडिया यूनिटी से भी, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिटी के साथ वो अपनी हर चीज़ पे खुद फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं और उसका ना एक आउटकम, एक फ़ायदा निकालते हैं. हम लोग क्या है एंड पे, बस वो खप के ना लड़ लड़ के आपस में मर गए हुए. इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए और पूरे एशियन रीजन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो इस वक्त कम कीमत में भी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं. तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए. दूसरा, ये इंडिया ने इसलिए भी किया है कि इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे खासे हैं. और दूसरी बात, इंडिया ने आज से 15 से 20 साल रिफाइनिंग कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत मैसिवली जो है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से आज वो क्या कर रहे हैं कि वो सस्ता तेल जो है वो रशिया से खरीद रहे हैं और अब सस्ता कोल भी खरीदने जा रहे हैं. अभी ये नहीं कन्फर्म कि सस्ता कोल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कोल भी सस्ता होता है तो यहाँ से वो चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर देंगे यूरोप को, और यूरोप डायरेक्टली जो है वो खरीद नहीं रहा रशिया से. तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो इंडिया जो थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है. पाकिस्तान को जैसे इकोनॉमी की क्राइसिस है और उसके पीछे पावर क्राइसिस है, यकीनन सबको पता है कि उसकी वजूहात क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फैक्ट्रीज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए घरों में गैस की जरूरत है, वो अवेलेबिलिटी कम हो रही है या ना होने के बराबर है. जिन फैक्ट्रीज को गैस चाहिए वहाँ पे भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. एक दफ़ा फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, अभी वो कतर जाने वाले हैं और वहाँ से उनसे एलएनजी तो वो देते हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये कि हमें एलएनजी भी चाहिए और हमारे पास पैसे भी नहीं है. तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उधार के ऊपर हमें एलएनजी जो है वो एक साल, दो साल या तीन साल के लिए हमें ये फैसिलिटी दे दे. और उन्होंने मुलाकात करनी है यकीनन वहाँ के जो कतर के अमीर है शेख तमीम बिन हमद अल सानी, उनसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात होनी है. इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ कोयला जो है, यानी कोल, वो हम प्लान कर रहे हैं कि वी विल इम्पोर्ट कोल फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि बॉर्डर हमारे लगते हैं करीब, वाक़ा है जल्द चीज़ पहुँच सकती है और पैसे कम होंगे. लेकिन ये दोनों चीज़ें, एलएनजी के हवाले से बात हो या फिर कोयले के हवाले से बात हो, दोनों में कहानी में ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट आपको बताना है, तफसील बिल्कुल बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ जैसे ही पाकिस्तान ने कोयला खरीदने की बात की अफगानिस्तान से. हालांकि ये इम्पोर्ट पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि कोई अब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम कोई अफगानिस्तान से ये कर रहे हैं. एक लिमिटेड नंबर हमारे पास आता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के जो ब्रिक्स बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके लिए ये यूज होता रहा है. तो वो एक चीज़ थी, लेकिन क्योंकि अभी हमें जिस लेवल पे चाहिए वो ज़्यादा एक क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने उससे पावर जनरेशन भी करनी है, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को भी.